दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मेरा नाम सूर्यकांत है और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से सूर्यवंशी फिल्म के बारे में। कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सूर्यवंशी का प्रमोशन कब से स्टार्ट होगा। भाई 10 तारीख हो गई, लोगों ने ये कहा था कि पोस्टर्स आने शुरू हो जाएंगे 10 तारीख से, तो प्रमोशन कब स्टार्ट होगा अगर ये बड़ा सवाल है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड क्रेजीज में। इससे पहले कि मैं आपसे आगे बढ़ूं, आपसे यही गुजारिश है, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल से कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सके। चलिए बात करते हैं प्रमोशंस के बारे में। प्रमोशंस का जो सिलसिला है वो 15 तारीख से शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, दशहरे से इस फिल्म का प्रमोशन शुरू होगा, ये बातें सामने आ रही है और इस बात की तस्दीक खुद बहुत बड़े एक न्यूज़पेपर ने भी कर दी है और ये चीजें लग भी रही थी वैसे ही। यानी कि जो प्रमोशन विंडो होगा वो 15 अक्टूबर से 5 नवंबर यानी कि 20 दिन तक का प्रमोशन विंडो रहेगा, जो अपने आप में काफी बेहतर रहेगा। अब इसमें एक एडिशनल चीज जो ऐड कर देता हूं, जो मैं कहना चाहूंगा एक एडिशनल चीज है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप सोचोगे कि प्रमोशन सिर्फ क्या अक्षय कुमार करेंगे, या अक्षय कुमार भी नहीं करेंगे, क्योंकि बेल बॉटम में जो गलती हुई थी क्या उसे वापस से दोहराएंगे अक्षय कुमार, ये अगर आपके मन में सवाल होगा तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। बेल बॉटम में क्या हुआ था, जिस दिन अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई यहाँ पे इंडिया में, उस दिन वो शूटिंग करने चले गए थे लंदन, ऑलरेडी लंदन में थे और उधर शूटिंग कर रहे थे, मिशन सिंड्रेला स्टार्ट कर दी थी। यानी कि आपकी इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है, उसके लिए कुछ तो प्रमोशनल कैंपेन आप करते। सिर्फ आपने एक दिल्ली में इवेंट ऑर्गेनाइज किया, वहां पे मीडिया को बुलाया, बेल बॉटम फिल्म को अनाउंस कर दिया, लोगों को पता ही नहीं था। ग्राउंड लेवल रियलिटी यही थी कि बहुत सारे अक्षय कुमार के फैंस आए थे, उनको तो पता ही, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, आम जनता को नहीं पता था कि अरे ऐसी भी कोई फिल्म आ रही थिएटर में। वो तो वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे बाद में पता चले कि हाँ उनकी फिल्म थिएटर में आई है। तो ये हुआ था अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के साथ। आप समझ गए मैं बोलने का मतलब क्या है ना, आप सोचते हो कि ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि अक्षय की फिल्म बेल बॉटम आ रही है, नहीं पता चलता। आम लोगों को, बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो स्मार्ट मोबाइल नहीं है, और लोग इस तरह की बातें भी नहीं करते, लोग अपनी जिंदगी बिजी है, तो वो ज्यादातर चीजें जो है अखबारों के जरिए पढ़ते हैं, किसी के बातों के थ्रू पढ़ते हैं, या उसका कॉन्स्टेंट प्रमोशन होता है तब पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं किया गया था और उसका खामियाजा बेल बॉटम को कहीं ना कहीं कलेक्शंस कम आए उसके लिए भी भुगतना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्यवंशी के बारे में। तो इसका प्रमोशन होगा और प्रमोशन के लिए मतलब अक्षय कुमार पूरी तरह से रेडी है, क्योंकि 13 तारीख को वो अपनी फिल्म रक्षाबंधन को रैप अप कर लेंगे, यानी कि 14 या 15 तारीख को वो मुंबई में होंगे और दशहरा के मौके पर शायद कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होगा या आसपास, या दशहरा के दिन ही कुछ शायद पोस्टर रिलीज करेंगे, उसके एक या दो दिन बाद ट्रेलर रिलीज कर देंगे, ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर मेरा सवाल यही था या आप लोगों के मन में यही सवाल होगा कि क्या सूर्य भाई सिर्फ अक्षय कुमार ही प्रमोट करेंगे, नहीं दोस्तों, इस फिल्म को अक्षय के अलावा रणवीर सिंह और अजय देवगन भी प्रमोट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों एक साथ आकर प्रमोट करेंगे, जैसे सूर्यवंशी का इसके पहले ट्रेलर लॉन्च में प्रमोशन हुआ था, कपिल शर्मा शो में गए थे काफी हद तक। तो कुल मिला के जो धमाका होगा वो जोरदार होगा, क्योंकि अजय देवगन फैंस, रणवीर सिंह फैंस, कटरीना कैफ फैंस और अक्षय कुमार तो फैंस है ही है, ये सब मिलकर प्रमोट करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूंगा जो आपको अभी तक नहीं पता है। इस फिल्म के जो स्टंट्स है अक्षय कुमार ने खुद किए है, 90% स्टंट्स। इवन जो थाईलैंड में जो एक बाइक वाला सीन है जहां पे वो बाइक से चाहते हैं और उसके बाद ऊपर से हेलीकॉप्टर आते उसको पकड़ लेते हैं, वो भी अक्षय कुमार ने खुद फिल्माया है। तो 90% स्टंट अक्षय कुमार ने किए हैं और ये फिल्म को 84 डेज में कंप्लीट कर लिया गया और अक्षय कुमार ने अपना पोर्शन कुछ नहीं तो महज 45 से 50 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट किया है। और ये फिल्म बहुत ही तगड़ी है और इस फिल्म में कटरीना कैफ के रोल पर भी थोड़ी सी हाईलाइट मिली है, वो आपको बताना चाहता हूं। कटरीना कैफ इस फिल्म में एक डॉक्टर बनी है और भाई कौन नहीं इलाज कराना चाहेगा कटरीना कैफ के साथ, कटरीना कैफ का कैफ से मतलब। तो कुल मिला के सबसे पहले जो मरीज होंगे जो कटरीना कैफ से इलाज कराना चाहेंगे वो अक्षय नहीं होंगे, वो सलमान खान होंगे। हो जाता है जो क्या करे, अभी खुराफाते दिमाग है और अक्षय कुमार शायद दूसरे नंबर पे ही रहेंगे। एनीवेज, और आप सोचेंगे इसमें और थोड़ा नोटेंगी करो तो विकी कौशल होंगे 10वें नंबर पर, हाँ, और रणबीर कपूर भी लिस्ट में होंगे। चलिए बात करें टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक ये है
कि फिल्म का जो प्रमोशन है वो कब से स्टार्ट होगा, तो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और फिल्म की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है और ये तीनों स्टार जब मिलके एक साथ प्रमोट करेंगे इस फिल्म को और उसको उसके लिए थोड़ा वक्त देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रमोशन होगा। मेरे ख्याल से प्रमोशन के लिए एक साथ वापस एक तो स्टार है प्रमोट करे, उसके अलावा अगर हो सके तो जो मुझे लगता है सही भी है कपिल शर्मा शो में इन सबको एक बार फिर जाना चाहिए और इस बार सभी स्टारकास्ट जाएंगे तो मजा आएगा। तो कटरीना कैफ डॉक्टर भी बनी है और अक्षय कुमार की वाइफ भी बनी है जितना अपडेट आई है। तो कुल मिला के आप लोग कितने खुश है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिलहाल कितने धन्यवाद।